धनवंतरी माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे आहूत माघ मेले का किया उद्घाटन। दरअसल आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा किनारे आहूत माघ मेले का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि धर्म से राजनीति को दूर रखने की सलाह दी और मनिहारी के मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने में अपनी ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्थानीय माननीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने मनिहारी की धार्मिक ऐतिहासिक गौरव को बताते हुए यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए एवं इस दृष्टिकोण से क्षेत्र के विकास की मांग प्रभारी मंत्री के समक्ष रखे। वहीं सहकारिता प्रभारी मंत्री के आगमन पर मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और साथ ही राजेश कुमार और लाखो यादव कोटी रोकने के लिए प्रभारी मित्र के समक्ष अपनी बात रखी। इस मौके पर बराड़ी के पूर्व विधायक नीरज यादव, पिछड़ा आयोग का सदस्य तारकेश्वर ठाकुर, प्रभात चौधरी, सहदेव यादव, पंकज यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मनिहारी से समद की रिपोर्ट। इसलिए हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं और हम मांग करते हैं माननीय मंत्री जी से कि यहाँ पर मेला लगभग 45 से 50 साल से लगते आ रहा है, लेकिन इस मेला को सरकारी तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो हम मनिहारी नगर पंचायत मनिहारी वासी के तरफ से हम माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि इसको राजकीय मेला माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको घोषित करने का काम करें और हमारे माननीय मंत्री जी विकास घोष के नाम से जाना जाता है, आप लोग अगर इनके क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का काम अपने क्षेत्र में करते आए हैं। हमको नहीं लगता है कि अभी वर्तमान में जो भी माननीय विधानसभा में है इनको छोड़ करके ये जब से चुनाव लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव हारे नहीं है। हमको लगता है कि 8वां बार इस बार जीते हैं और लोकसभा भी जीते हैं और हम चूंकि मेरा इनसे व्यक्तिगत भी संबंध है, अभी कटाव का बात था, हम दूरभाष पर इनसे बात किए, व्हाट्सएप पर फोटो भेजे, उस पर ये संज्ञान लेकर के यहाँ आए और यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात को रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आने का काम किया और प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है, बहुत जल्द टेंडर होकर के काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे, फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से इसको राजकीय मेला घोषित करने की कृपा की जाए, इसके लिए सारा कटिहार जिला आपका आभारी बना रहेगा। और चूंकि ये गंगा कटाव से पीड़ित जगह है विदा हो और आपके द्वारा हमको पूरा विश्वास है कि ये काम मेरा हो जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार में मगध सम्राट के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय सुरेंद्र बाबू का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमारे माननीय मंत्री जी बनकर कटिहार प्रभारी के रूप में यहाँ कटिहार आए थे, मनोहर बाबू भी थे ही, और लाखों जी ने इनको संज्ञान में दिलाया कि गंगा कटाव अगर तत्काल न रोका गया तो यहाँ इस इलाके का कई गांव उजड़ जाएंगे, लोग का खेती किसानी सब कुछ चौपट हो जाएगा। हम तो इनका आभारी है, ऋणी है, इनके प्रयास से, इनके निर्देश के आलोक में तटस्थ सिंचाई विभाग के अधिकारियों का दौरा हुआ और हमको लगता है कि वो शायद योजना स्वीकृत भी हो गया होगा। तो ये इस बात के लिए हम आपका सारा आभार प्रकट करते हैं। आप लगातार कटिहार के दूसरी दौरा में हर इलाके में कुछ न कुछ आपके निर्देश के आलोक में जिले वासियों को मिलता है। और सचमुच कहिए, ये जो कल समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो समस्या है उसका समाधान जमीनी स्तर पर पहली बार कोई बिहार सरकार का प्रभारी मंत्री इस तरह से गाँव में जाते हैं और समस्या को देखते हैं और समाधान भी करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं आपके नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष श्री लाखो जी का भी और आदरणीय माननीय विधायक श्री मनोहर बाबू का भी और सभी माननीय वार्ड पार्षदगण और जो हमारे मनिहारी वासी हैं उन सभी लोगों का, खास करके मीडिया के साथियों का, हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं कि आपने जो महारुद्र यज्ञ के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मंत्री विश्वप्रिय प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र बाबू से शुभारंभ कराया है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में यहाँ के जो आए हुए इस मेले में एक श्री श्री स्वाठ रुद्र महामेले में जो लोग भी गंगा तट पर आए हैं सबको भगवान आशीर्वाद देंगे, माता आशीर्वाद देंगे। और सारे लोग, ये समझ में आता है कि 50 साल जो पुराना ऐतिहासिक मेला है, तो इस मेले को जो राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए आप लोग अनुरोध किए हैं, तो इसको सचमुच घोषणा करवाना है तो सबसे पहले आप लोग इसको पास कीजिए। जो ब्लॉक स्तर पर बैठक होता है प्रमुख साहब के अधीन, वहां से पास कीजिए, फिर इसको ले जाइए जिला परिषद की बैठक में और फिर विधायक दल के जो बैठक होता है वहां ले जाइए कलेक्टर के यहाँ और वहां से चला जाएगा, तभी आपका जाएगा ये प्रस्ताव कैबिनेट में। तो नीचे से चलिएगा तो ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर वापस नहीं होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। हम लोग कैबिनेट में है भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग सभी के सेवा से। और ये श्री श्री स्वार्थ रुद्र मेला के मैं चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो आपके चरण में आया है सबके सुख संपत्ति दीजिए, सबको दुख हर लीजिए और सबको आशीर्वाद दीजिए और सब रति खुशी से जाए और किसी तरह का नुकसान न हो, चाहे वो बिजनेस हो, कारोबार हो या भगवान को पूजा पाठ हो, किसी तरह का नुकसान न हो, सबको लाभ हो। आज अध्यक्षता करते हुए राजीव कुमार जी, श्री माननीय मनोहर प्रसाद जी विधायक, श्री मुख्य पार्षद लाखू यादव जी, मेरा प्रभारी नरेंद्र सिन्हा जी, माननीय पूर्व विधायक नीरज यादव जी, माननीय तारकेश्वर ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय सदैव यादव जी, एस डी ओ साहब, माननीय मीडिया के लोग, माननीय पंकज यादव जी, संजय सिंह जी, राजेंद्र पासवान जी, माननीय गोदू यादव जी, गोपाल कृष्ण जी, माननीय यीशु पांडे जी, आशु पांडे जी, माननीय पंकज बिहारी जी, आनंद यादव जी, प्रभात चौधरी जी, रंजीत गुप्ता जी, प्रमोद सिंह जी, माननीय कुंदन यादव जी और तमाम मीडिया कर्मी,